हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज आगे हैं हम एक नए वीडियो लेके। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल मूविंग है, एक मूविंग चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, और उस फोर्स का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होता है, ये सारे मैटर्स आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर वीडियोस लाइक दिस, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, इन दिस मैग्नेटिक फील्ड अ चार्ज पार्टिकल ऑफ क्यू चार्ज इज मूविंग विद वेलोसिटी वी। इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज क्यू है, वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। दिस चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में विद वेलोसिटी मूव करने की वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर ये चार्ज पार्टिकल मूविंग ना होके स्टेशनरी होता तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता। सो कोई भी चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग होगा तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और अपने पाथ पर नहीं जा पाएगा। ड्यू टू द फोर्स इट विल डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स पाथ। ओके, सो वो फोर्स कौन सा है? इस पार्टिकल पे फोर्स कितना लगेगा? इस पार्टिकल पे फोर्स लगेगा क्यू वी क्रॉस पी। यहाँ पर v इज द चार्ज, v इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, q इज द चार्ज एंड b इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट, एंड दिस इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द मूविंग चार्ज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट है, राइट? तो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हमें क्या पता है कि अगर दो चीज का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, सपोज a क्रॉस b अगर हम कर रहे हैं, ये एक प्लेन है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, देन आफ्टर डूइंग ए क्रॉस बी वी विल गेट अ वेक्टर सी। तो ए क्रॉस बी कर रहे हैं मतलब दिस इज गोइंग क्लॉकवाइज फ्रॉम ए टू बी, वी आर गोइंग एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम 3 to 12 वी आर गोइंग, राइट? इट इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम ए टू बी। सो अगर किसी चीज को हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, किसी बॉटल के कैप को भी अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, तो बॉटल का कैप क्या होता है? ओपन हो जाता है, हमारे तरफ आ जाता है आफ्टर रोटेटिंग इज एंटी क्लॉकवाइज। सो ड्यू टू दिस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन द रिजल्टेंट वेक्टर विल कम अपवर्ड। ओके, दिस इज ए क्रॉस बी, और अगर हम ए क्रॉस बी के बदले बी क्रॉस ए करते, अगर हम बी क्रॉस ए करते तो क्या होता? वी आर गोइंग 12 o'clock to 3 o'clock, so we are going clockwise. अगर किसी बॉटल के कैप को हम clockwise rotate करेंगे तो वो कैप downward आ जाएगा, बॉटल के जो कैप है वो बंद हो जाएगा, वो downward जाएगा। So B cross A का direction है ये, this is the direction of B cross A. इसका जो magnitude है ये A cross B के साथ equal है, लेकिन जो direction है वो A cross B का opposite है, so this is equals to minus C vector, right? So magnitude of A cross B is equals to magnitude of B cross A, but दोनों का direction opposite होता है, so we can write A cross B is equals to negative B cross A, right? तो I hope आपको ये सारी चीजें समझ में आया होगा। इसमें जो confusion वाली बात है वो है clockwise anti-clockwise matter, right? तो ये चीज हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, ताकि अगर आपको ये समझ में आ जाए तो ये फोर्स का डायरेक्शन निकालना भी आपके लिए इजी हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो देखते हैं, हम यहाँ पर ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ए क्रॉस बी, तो हम 3 o'clock से 12 o'clock की तरफ जा रहे हैं, राइट? इसका मतलब हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। सो इस बॉटल को कैप, बॉटल के जो कैप है इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही हूँ। यू कैन सी आई एम रोटेटिंग दिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो कैप ऊपर की तरफ आ रहा है, राइट? सो ये जो वेक्टर का डायरेक्शन है ए क्रॉस बी, वो भी ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी जो जा रहे हैं हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। अगर अभी हम करेंगे कि बी क्रॉस ए, तो मतलब हम 12 o'clock से 3 o'clock आ रहे हैं, तो हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं। सो इस कैप को अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो आप देख रहे हो कि ये जो कैप है ये बॉटल पे लग रही है, मतलब ये कैप डाउनवर्ड जा रहे हैं, तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड। ओके, अब किसी भी चीज को, ये जो राइट हैंड स्क्रू रूल है इससे ही होता है, अगर किसी भी चीज को आप अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो वो ओपन होगा, अपवर्ड आएगा।
अगर क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो वो डाउनवर्ड जाएगा, राइट। सो फॉर द क्लॉकवाइज रोटेशन फ्रॉम ए क्रॉस बी, जो ए क्रॉस बी का वेक्टर होता है वो अपवर्ड जा रहा है, और फॉर द एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन फ्रॉम ए क्रॉस बी, जो वेक्टर है ए क्रॉस बी वो ऊपर जा रहा है, एंड फॉर द क्लॉकवाइज रोटेशन फ्रॉम बी टू ए, जो डायरेक्शन है बी क्रॉस ए वो डाउनवर्ड जा रहा है। तो ये चीज दिमाग में डाल लो कि ए क्रॉस बी अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब कि ये ए क्रॉस बी जब कर रहे हैं अगर वो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये अपवर्ड होगा, अगर क्लॉकवाइज होगा तो ये डाउनवर्ड होगा। तो अगर चीज याद ना रहे तो ये कैब के एग्जांपल से याद करोगे, रियल लाइफ से रिलेट होगा तो तुम्हें ध्यान में आ जाएगा। तो आई थिंक इट्स द इजीएस्ट मेथड टू रिमेम्बर द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, सो इसके ऊपर बेस करके हम इसका ये जो फोर्स का डायरेक्शन है ये निकालने की कोशिश करते हैं। कुछ देर प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज और भी आसानी से समझ में आ जाएगी। वन मोर थिंग, ये ए क्रॉस बी करके हमें जो वेक्टर मिल रहा है दैट इज द सी वेक्टर। दिस सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ। ये जो सी वेक्टर हमें ए क्रॉस बी करके मिल रहा है और ये जो माइनस सी वेक्टर हमें बी क्रॉस ए करके मिल रहा है, ये दो सी वेक्टर एंड माइनस सी वेक्टर ये ए बी वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है, राइट। सो ये चीज यहाँ पर भी आ जाता है, ये जो फोर्स है जो ये चार्ज पे लग रहा है ये फोर्स इज वेलोसिटी एंड ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होगा। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द मूविंग चार्ज इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। ये जो सिंबल्स देख रहे हो इसका मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड द बोर्ड जा रहा है। ओके, अगर कोई एरो ऐसा हो, हम जो एरो देखते हैं ना, तीर जिसको कहते हैं, ऐसा कुछ एरो अगर तुम्हारे तरफ आ रहा है तो तुम उसका टिप देख पाओगे, राइट, अ डॉट द टिप ये देख पाओगे। अगर एरो तुमसे दूर जा रहा है तो तुम एरो का पीछा देख पाओगे, द बैक साइड ऑफ द एरो दैट इज अ क्रॉस। ओके, सो इस क्रॉस का मतलब होता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इनसाइड द बोर्ड जा रहा है। ओके, सो दीज आर द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड वो डायरेक्शन कौन सा है मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज इनसाइड द बोर्ड। ओके, और वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज गिवन हियर। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है और चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन है इस तरफ, टुवर्ड्स राइट। ओके, तो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी का डायरेक्शन मिल गया। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज पार्टिकल, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज पार्टिकल। तो हमारा जो फोर्स का एक्सप्रेशन था वो क्या था, v क्रॉस b इंटू क्यू, ये करने के बाद हमें फोर्स का डायरेक्शन मिलेगा। तो हमें फोर्स के डायरेक्शन निकालने के लिए v क्रॉस b करना है, राइट। सो v का डायरेक्शन है इस तरफ और b का डायरेक्शन है इस तरफ। ओके, अब हमें v क्रॉस b करना है, दिस इज आवर v, दिस इज आवर b, आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो नाउ वी आर डूइंग v क्रॉस b, सो वी आर गोइंग फ्रॉम 3 o'clock टू 12 o'clock, 3 o'clock से 12 o'clock की तरफ आ रहा है, मतलब हम जा रहे हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जो एरो होगा वो अपवर्ड आएगा, बॉटल के कैप को जब हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे थे तो वो अपवर्ड आ रहा था, राइट। सो दिस इज आवर वी, दिस इज आवर बी, वी आर गोइंग फ्रॉम वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी मतलब एंटी क्लॉकवाइज, सो जो वेक्टर मिलेगा वो अपवर्ड जाएगा। सो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज पार्टिकल इज दिस। ओके, आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आया है। अब इसका एक और चीज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, इसलिए हमें ये डायरेक्शन मिला। अगर ये चार्ज पॉजिटिव ना होते, नेगेटिव होता तो क्या होता, फॉर दिस पॉजिटिव चार्ज दिस इज राइट। ओके, डन। अगर ये पॉजिटिव ना होके नेगेटिव होता, ये मैग्नेटिक फील्ड सेम रहता, ये चार्ज का वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में होता, सिर्फ ये चार्ज माइनस क्यू होता, तो क्या होता, पॉजिटिव चार्ज के लिए हमें फोर्स का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में मिला था मतलब अपवर्ड, वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता फॉर द नेगेटिव चार्ज। सो ये सेम सिनेरियो में अगर ये पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज हो तो हमें जो फोर्स का डायरेक्शन मिलेगा वो बिल्कुल ऑपोजिट टू द प्रीवियस केस होगा। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। मतलब अगर हमें प्रोटॉन, अल्फा ऐसे पार्टिकल दिए जाए तो ये है, अगर हमें इलेक्ट्रॉन दिया जाए
तो दिस इज द केस. ओके, दिस इज द फर्स्ट केस. नाउ अभी हम केस चेंजेस करके डिस्कस करेंगे तो आपको ये सारा मैटर क्लियर हो जाएगा. सी द नेक्स्ट केस. नाउ दिस इज द सेकेंड केस. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है? इनसाइड द बोट. पहले केस की तरफ सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ हो गया है, टुवर्ड्स लेफ्ट. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी. ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है. आई होप दिस इज क्लियर. तो हम क्या करेंगे, वी क्रॉस बी. दिस इज आवर वेलोसिटी वेक्टर एंड दिस इज आवर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. सो वी क्रॉस बी हम कर रहे हैं, मतलब वी आर गोइंग फ्रॉम 9 o'clock टू 12 o'clock. 9 से 12 जा रहा है मतलब हम क्लॉक वाइज रोटेट कर रहे हैं. क्लॉक वाइज रोटेट करेंगे तो जो बॉटल का कैप था वो डाउन की तरफ जा रहा था, राइट. दिस इज आवर वी वेक्टर, दिस इज आवर बी वेक्टर. वी आर डूइंग वी क्रॉस बी, मतलब वी आर गोइंग फ्रॉम 9 o'clock टू 12 o'clock. सो दिस इज अ क्लॉक वाइज रोटेशन. सो जो वेक्टर मिलेगा वी क्रॉस बी करके वो जाएगा डाउनवर्ड फॉर दिस क्लॉक वाइज रोटेशन, राइट. सो जो फोर्स हमें मिलेगा ऑन दिस चार्ज, दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ये चार्ज पॉजिटिव है, राइट. पॉजिटिव चार्ज के लिए हम निकाल चुके हैं. अगर यही सेम केस में ये चार्ज नेगेटिव होगा तो क्या होगा, हम देख लेते हैं. केस सेम है, सिर्फ चार्ज नेगेटिव होगा. वेलोसिटी भी सेम डायरेक्शन में है, सिर्फ ये चार्ज नेगेटिव होगा. तो पहले के केस में हमें फोर्स मिल रहा था डाउनवर्ड. फॉर नेगेटिव चार्ज फोर्स बिल्कुल उल्टा हो जाता है, पहले ही हम बता चुके हैं. दिस विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. तो अभी हम नेक्स्ट केस में जाते हैं. जितने ज्यादा हम इसे प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ये प्रोसीडियर हमें समझ में आ जाएगा और हमें एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगा. तो और कुछ केसेस करके देख लेते हैं. इन सारे कैलकुलेशंस में आप ध्यान से देखे होंगे तो आपको पता होगा, जब हम इस पेन को कनेक्ट कर रहे थे ऐसे कर रहे थे कि ऐसे कर रहे थे कि ऐसे कर रहे थे ऐसे कर रहे थे, जैसे भी कनेक्ट कर रहे थे, ऑल टाइम वी आर कनेक्टिंग दिस टू पेन बाय देयर टेल टू टेल. दोनों का जो एंड पॉइंट है इन दोनों को हम कनेक्ट कर रहे थे. किसी भी डायरेक्शन में कनेक्ट करना पड़े डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द प्रॉब्लम, लेकिन हर वक्त हम टेल टू टेल कनेक्ट कर रहे थे. ऐसे हेड टू टेल ऐसे कनेक्ट नहीं कर रहे थे. ओके, तो ये चीज अगर आपने ध्यान से नहीं देखी होगी देन प्रीकैप करके देख लीजिए. ऐसे करके हम कनेक्ट कर रहे थे. तो अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, डायरेक्शन समझना है ऐसे करके, तो आपको भी कनेक्ट करने से पहले ये ध्यान में रखना है टू वेक्टर्स को हम टेल टू टेल कनेक्ट करेंगे. ओके, टू डू द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट. सो ये एक ट्रिक पॉइंट है. अगर ये आप ठीक से फॉलो नहीं करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो जाएगी. ओके, देन गो टू द नेक्स्ट पार्ट. सो दिस इज आवर नेक्स्ट केस. यहाँ पर हम देख रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है, मतलब ये सारे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आ रहा है. ओके, टूवर्ड्स यू. ओके, आउटवर्ड फ्रॉम द बोट. सो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है. मैग्नेटिक फील्ड को हम इस ब्लू से लेते हैं तो आप कनेक्ट कर पाओगे. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी. हम ये फर्स्ट केस कर रहे हैं. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी. ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये वाला वेलोसिटी है. सो वी हैव टू गो वी क्रॉस बी फॉर पॉजिटिव चार्ज. तो हम वी क्रॉस बी जा रहे हैं, मतलब वी आर गोइंग फ्रॉम 3 o'clock टू 6 o'clock. सो हम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं फ्रॉम 3 to 6. ओके, दिस इज आवर वी, दिस इज आवर बी. सो हम 3 to 6 आ रहे हैं, दिस इज क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये डाउनवर्ड जाएगा, राइट. सो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, डाउनवर्ड. सेम सिचुएशन ये है, लेकिन सिर्फ चार्ज पॉजिटिव नहीं होके नेगेटिव है. तो क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन जो है वो उल्टे तरफ हो जाएगा, राइट. फॉर सेम सिचुएशन पॉजिटिव चार्ज इज रिप्लेस बाय नेगेटिव चार्ज, सो फोर्स का डायरेक्शन भी उल्टा हो गया. ओके, नेक्स्ट सिचुएशन में आते हैं, दिस वन. यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है और जो चार्ज का वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो इस तरफ है. ओके, सो वी हैव टू गो वी क्रॉस बी. ये हमारा वी है, ये हमारा बी है. सो हम वी क्रॉस बी जा रहे हैं, मतलब हम 9 o'clock से 6 o'clock की तरफ जा रहे हैं. सो वी आर गोइंग इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन. एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन जाएंगे तो अपवर्ड आएगा फोर्स. सो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स फॉर दिस चार्ज इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. और ये सेम केस अगर नेगेटिव चार्ज के लिए हो
तो ये जो फोर्स का डायरेक्शन है ये उल्टा हो जाएगा। ओके सो ये जो वी क्रॉस बी हम कर रहे हैं और उससे फोर्स निकाल रहे हैं, दिस इज फॉर पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज सेम सिचुएशन के लिए फोर्स का डायरेक्शन उल्टा कर रहे हैं। आई होप ये चार्ज डिस्कस करने के बाद आपको समझ में आ गया है। अब हमारा नेक्स्ट ये दो केसेस है ये भी हम डिस्कस करेंगे। अब देख रहे हैं दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। सो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है। वी हैव टू गो वी क्रॉस बी फॉर पॉजिटिव चार्ज। हम वी क्रॉस बी जा रहे हैं, बी से बी की तरफ जा रहे हैं। सो वी आर गोइंग फ्रॉम 12 o'clock टू 3 o'clock। सो हम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो इनवर्ड जाएगा। सो हमारा जो फोर्स का डायरेक्शन आएगा वो होगा इनवर्ड। इनवर्ड डायरेक्शन मतलब हम उसको क्रॉस से डिनोट करेंगे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। हम ऑलरेडी बोल चुके हैं अगर किसी वेक्टर इनवर्ड जा रहा है तो हम उसका एंड देख पाएंगे, जो एरो होता है उसका एंड, तो हम उसको क्रॉस से डिनोट करेंगे। दिस इज फॉर द पॉजिटिव चार्ज। और अगर ये सेम केस नेगेटिव में होता, मतलब ये वेलोसिटी का डायरेक्शन होता, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता, लेकिन ये चार्ज नेगेटिव होता, तो हम क्या करते, जो फोर्स का डायरेक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट हो जाता फ्रॉम द अबव केस। ये जो फोर्स का डायरेक्शन है वो आउटवर्ड हो जाता। ओके अब नेक्स्ट केस में आ जाते हैं, दिस इज आवर नेक्स्ट केस। ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इस तरफ आ रहा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस तरफ जा रहा है। वी हैव टू डू वी क्रॉस बी फॉर पॉजिटिव चार्ज। सो वी क्रॉस बी, सो हम 9 o'clock से 12 o'clock जा रहे हैं, मतलब वी आर गोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएंगे तो इनवर्ड होगा, इनवर्ड होगा तो हमारा जो फोर्स होगा दिस विल बी लाइक दिस। ओके इनवर्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अगर ये सेम केस नेगेटिव चार्ज से होता, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द वेलोसिटी एंड दिस इज द माइनस क्यू चार्ज, तो क्या होता, ये जो फोर्स है ये बिल्कुल अपोजिट हो जाता दैन द प्रीवियस वन। सो इसके लिए जो फोर्स का डायरेक्शन होता वो होता आउटवर्ड। तो आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आ गया हो। अगर कुछ प्रॉब्लम है देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। इसका एक नेक्स्ट पार्ट भी लाएंगे, दिस इज फॉर द फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। अब हम नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। प्रोसीड्योर सेम है, सो करंट कैरिंग कंडक्टर से भी ऐसे ही निकालेंगे, सेम प्रोसीड्योर है। इसका एक नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, वहां पर हम डिस्कस करेंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर में कैसे हम फोर्स निकालेंगे। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसका फोर्स हम कैसे निकालते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर वीडियोज लाइक दिस एंड प्लीज गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।